बच्चा गोद लेने पर अब छत्तीसगढ़ सरकार रकम देने का ऐलान सरकार ने किया। यूनिसेफ के कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि कोई भी बच्चा अनाथ ना हो, हर परिवार के पास बच्चा हो, इसके लिए सरकार का प्रयास जारी है। तो परिवार को संपूर्ण बनाने के लिए उमंग कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने मंत्री से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद है महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया जी, उनसे हम समझते हैं आज उमंग कार्यक्रम को लेकर यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित की गई थी। मैम, ये कार्यक्रम आप लोग संचालित कर रहे हैं पोषण देख रेख, तो इसके पीछे का मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? बिल्कुल, हमारे विभाग के माध्यम से तो 2015 में पोषण देख रेख अभियान अधिनियम लागू है, परंतु ये जो 6 साल के बाद के जो बच्चे हैं उनकी देख रेख, जैसे बड़े भी हो जाते हैं बच्चे तो अधिकतर उनको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं ऐसे पेरेंट्स, और इसकी प्रक्रिया भी बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि इस झंझट में कहाँ पड़े और हो नहीं पाता है उनसे। तो ये पोषण देख रेख हमारे ऐसे वो है, संस्था है जहाँ हमारे बच्चे लोगों को विभाग के माध्यम से सारी सुविधाओं में उनको बहुत अच्छे से रखते हैं और संस्कार भी देते हैं। नहीं, मुझे लगता है शायद ऑल इंडिया में ये है, और हम लोग तो इसको राज्य में ही कर रहे हैं, हर राज्य अपने अपने तरीका से इस योजना, नहीं तो अडाप्ट वाला तो पूरा ऑल इंडिया में होता है, पर ये उमंग जो कार्यक्रम है वो हम अपने राज्य में कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि कार्यक्रम का नाम उमंग है, ऐसे में अनाथ बच्चों के लिए ये उमंग है और ऐसे परिवार जिनके यहाँ बच्चे नहीं है उनके लिए भी ये उमंग की बात है, क्योंकि बच्चों को परिवार मिल जाएगा, परिवार का संस्कार मिल जाएगा, परिवार का परिवेश मिल जाएगा, ऐसे स्थिति में राज्य सरकार उनको अवसर उपलब्ध करा रही है जिनके पास बच्चे नहीं हैं। कैमरामैन नागलकर के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर।